मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन का वोट जिहाद, बहुत खामोशी के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम वोट जिहाद ही कर सकते हैं। सरेआम जहर उगलने वाली यह महिला सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम है, जो फरुखाबाद से सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रही थी। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले और दूसरे चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पहले चरण में देश की 102 सीटों और दूसरे चरण में कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई है। इस चुनाव के लिए प्रचार में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का एक चौंकाने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे लोगों से वोट जिहाद करने की भारी अपील करती दिखाई दे रही है। वायरल हो रहे वीडियो में मारिया आलम लोगों से कह रही है कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं और इस सरकार को भगा सकते हैं। वीडियो में वे कुछ लोगों का हुक्का पानी बंद करवाने के लिए भी कह रही है। उन्होंने कहा कि इंसानियत खतरे में है, इसलिए समझदारी से वोट दे। इस पर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने लिखा, इंडी गठबंधन के समझिए इरादे, जिहाद फैलाने के कर रहे वादे, हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से करने वाले फरुखाबाद से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की चुनावी सभा में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खां अब खुलेआम जिहाद के नाम पर वोट मांग रही है। साथ ही भाजपा को वोट देने वालों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दे रही है। इन जैसों की तालिबानी मानसिकता को समझने की जरूरत है। एक और बीजेपी नेता ने लिखा, वोट जिहाद जरूरी है, वोट जिहाद करो। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की फरुखाबाद जनसभा में यह जहरीला बयान दिया। ऐसा बयान अगर किसी हमारे नेता ने दे दिया होता तो राजनीति में भूचाल आ जाता। क्या कांग्रेस इससे सहमत है? खड़गे जी। वहीं इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट में मंत्री सलमान खुर्शीद ने अमेरिका स्थित वाटसन इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए 1 और 2 का गठन मुस्लिम वोटों की वजह से हुआ था। कांग्रेस को जब भी मुसलमानों का जिक्र करना होता है तो वह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करती है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वास्तव में अल्पसंख्यकों में मुसलमान मायने रखता है, जबकि सिख, ईसाई, बौद्ध केवल 1-2% है। उन्होंने आरक्षण पर भी कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू ओबीसी को नौकरियां मिल रही थी, इसीलिए कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग ओबीसी कोटा चाहती थी। मुस्लिम आबादी के लिए कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों पर भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम केंद्रित जिलों को भारी फंडिंग दी गई ताकि मुसलमानों का पता चले कि उन्हें यह लाभ उनकी मुस्लिम आबादी के कारण मिल रहा है। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से मुसलमानों को फंड दिया गया। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।